नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे के आह्वान पर उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन ने कटरा सिक लाइन पर मीटिंग का आज आयोजन किया, जिसमें उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन ने रेल कर्मचारियों और रनिंग स्टाफ की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान ब्रांच अध्यक्ष नीलेश कुमार ने ये जानकारी दी कि ये प्रदर्शन पूरे भारत में NFIR 11 मार्च से 15 मार्च तक कर रही है। प्रदर्शन में ब्रांच सचिव अब्दुल करीम, असिस्टेंट सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह, डिविजनल उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम सिंह, कटरा यूथ की टीम लोकेश, राजेश, जगतार, मोहित, सुखदेव, सुरेश, घनश्याम, मनोज, नितेश, अनिल, महेंद्र, नागेंद्र सहित कई सदस्य मौजूद थे। इस दौरान प्रदर्शन करते हुए NPS को रद्द करने की भी बात कही गई। मीटिंग के दौरान इन मुद्दों पर चर्चा की गई कि सरकार 10% पैसा हर महीने सैलरी से काटती है और सरकार भी हर महीने 14% इस योजना में मिलाती है। ये पूरा का पूरा पैसा रेल कर्मचारियों और उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के की बेहतरी और मजदूरों के विकास के लिए खर्च नहीं किया जाता है। इस पर सभी सदस्यों की सहमति बनी कि सरकार पुरानी पेंशन योजना को ही बहाल करे और यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो अप्रैल में एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में होगा और सितंबर में रेल का चक्का जाम होगा। सभी रेल कर्मचारी हड़ताल का हिस्सा बनेंगे। सेविंग का पैसा है, जो हमारा पेंशन का पैसा है, यही हमें काम आएगा। और पेंशन हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसे सरकार को समझना होगा। ये जो अदानी अंबानी माल्या इन लोगों में लगा रही है, उसके बाद ये कंपनियां दिवालिया होकर भाग जा रही है, तो इससे कहीं ना कहीं शर्म होती है। अगर हम अपनी पे आगे यूनियनबाजी पे आगे तो अच्छी चीज नहीं है। हम उसको अंदर डर के चित्तर मार के बाहर नहीं करेंगे, चित्तर मार मार के बुरी हालत करेंगे। ये चीज ना सोचे सीधी हो। और साथियों, इसी के साथ मैं ज्यादा कुछ कहूंगा। मीटिंग के दौरान इन मुद्दों पर भी चर्चा की गई कि जैसे स्पैर जैसी दुर्घटना में रनिंग स्टाफ को रिमूव या सस्पेंशन या इंक्वायरी करना, रनिंग स्टाफ के लिए सिर्फ वाकी टाकी से ही काम न चल पाना, अन्य मंडलों में जिस तरह से मिनिमम 120 किलोमीटर दिया जा रहा है लेकिन फिरोजपुर में ऐसा नहीं है, रेल स्टाफ की कमी, विदाउट गार्ड मालगाड़ी का संचालन जिससे सेफ्टी इग्नोर हो रही है, लॉन्ग हॉल जैसी सुविधाओं में क्रू मेंबर व ट्रेन मैनेजर के लिए जलपान शौचालय का कोई इंतजाम ना होना, इंटर रेलवे रिक्वेस्ट क्लियर किए जाने जैसे कई मुद्दे शामिल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट न्यूज, जम्मू।